दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय NHPC। जरा सुन के दोस्तों, आप सब दे सुनहरी भविख लई ते भारत सरकार दे दिशा निर्देश मनदे होए मेरी छोटी भैन दोनी राणा ते मैं थोड़ा वीर संजय संधू एक संदेश लैके जनता दी कचहरी विच हाजरी लगा रहे ने ते देओ खुल के आशीर्वाद। जरा सुन के कोरोना तो जे जग नू बचाउणा मित्रो ता इक गल दिल च बठा लो मित्रो। कोरोना तो जे जग नू बचाउणा मित्रो ता इक गल दिल च बठा लो मित्रो। मन लो आदेश सरकार वाले सारे, मन लो आदेश सरकार वाले सारे, छड्डो करनियां लापरवाहियां ए कोरोना ने सारे जग दियां किसियां कराइयां ए कोरोना ने। ਜਿਵੇਂ ਟਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਝੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਝੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਾਂ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC ने COVID-19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए NHPC एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा 30 पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निम्मो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन। इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए NHPC के सभी पावर स्टेशनों,
परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है जो लगातार इस आपदा के खिलाफ एनएचपीसी की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। एनएचपीसी भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है। इसी क्रम में एनएचपीसी उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। एनएचपीसी और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद।